फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय न्यू व्लॉग. और आज हम जा रहे हैं अपने कुल देवी के मंदिर में, और उसके बाद हम कहीं और भी जाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ. लेकिन उससे पहले हम गाड़ी को साफ कर लेते हैं. तो गाइज, आज कुल देवी के मंदिर जाने के बाद हम जा रहे हैं हमीरपुर. हमीरपुर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मेरे पापा का भागवत है और वो नवरात्र में चलेगा. तो अभी हम घर से निकलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में. तो गाइज, अभी हम पहुँच चुके हैं दारला घाट में, और दारला घाट में हमारा थोड़ा काम था, हमें थोड़ा सामान लेना था. तो अभी हम मार्केट से सामान लेंगे और फिर चलते हैं यहाँ से. हमारी कुल देवी यहाँ से हमें 20 मिनट या 25 मिनट लग सकते हैं. तो मिलते हैं अब अपने कुल देवी के मंदिर. फाइनली हम पहुँचने वाले हैं अपनी कुल देवी के मंदिर के पास. यहाँ से हमें रोड से थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, इसलिए हम नीचे के लिए पैदल जा रहे हैं. और अब मैं आपको करवाती हूँ अपनी माता रानी के दर्शन. हरे नारायण. कुल देवी के बारे में कुछ बताइए आप. हमारी महामाया जगदम्बा, हमारे कुल परंपरा की माँ, हमारी आराध्य कुल देवी हैं. हमारे पूर्वजों की ये महादेवी, हमारे पूर्वज भी इसकी आराधना करते आए हैं, और हम भी माँ इस जगदम्बा की शरण में आ जाए हैं. तो अभी हम बताएंगे आपको हमारी माता रानी कैसी दिखती हैं. हमने फाइनली अपनी कुल देवी के पास मत्था टेक लिया है. अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा हमीरपुर के लिए, और काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा. और आप सभी भी अपनी कुल देवी के पास टाइम टाइम पर जाते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, ताकि आपके सारे काम बनते रहें. भागवत शुरू होगा, तो आपको भी ले चलते हैं उधर. फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, पापा का स्वागत भी हो चुका है, और हमने यहाँ मंदिर में मत्था भी टेक लिया है. और थैंक यू. और इसका पूरा हाल हो रखा है ट्रैवल करके. तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे. फ्रेंड्स, अभी हमें एक यहाँ पे काम सौंपा गया कि हमें यहाँ पे माता पार्वती को पहनानी है साड़ी. तो अभी हम माता को साड़ी पहनाते हैं, फिर दिखाते हैं कि माता रानी कैसी दिखती है. ओह माय गॉड, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. ये देखो भाई, ये है शिव जी का
नाग, और यहाँ पे है हनुमान जी, और ये शिव जी, ये गणेश जी। अभी हम माता को पहनाएंगे साड़ी। फाइनली हमने माता पार्वती को पहना दी है साड़ी। और इस मंदिर के बिल्कुल साथ ही साथ रोड है। इस जगह का नाम कलंजड़ी देवी, गांव का नाम सरहाकड़ है। बोल कलंजड़ी मैया की जय। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पापा को छोड़ दिया है, और अब मैं और मेरे मम्मी निकल रहे हैं घर के लिए। तो मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।